हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही क्वेश्चन लिया गया है और ये काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में आप सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं, वहीं से क्वेश्चन को लिया गया है। पहले आप क्वेश्चन को समझो, जेई मेन 2018 में पूछा हुआ है। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इन अ सेंट्रिपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनथ पावर ऑफ रेडियस। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली बात कि सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म जिसको आप बोलते हो, इसी को आप यूनिफॉर्म, तो इसमें ए टी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो जीरो होती है। रहेगी बात सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसी को अगर वी बराबर आप लिखते हैं आर इंटू ओमेगा, तो इसी को लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना भाई? तो ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं इसको, मतलब ए सी के बदले ओमेगा स्क्वायर आर आप लिख सकते हैं। ओके, टू द एनथ पावर ऑफ रेडियस इफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल टी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रही है, तो पार्टिकल यहाँ से चलना अगर स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, तो कंप्लीट इसको वन रोटेशन लेने में जो टाइम लग रहा है वो है कैपिटल टी, और इसकी ये है रेडियस, और इसका जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए सी। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन बटे आर के पावर एन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ सी। अब एफ सी को क्या लिखेंगे? एफ सी को लिखेंगे एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, या आप ऐसे लिख सकते हो आप इसी को, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एम ए सी फोर्स वन डिवाइड बाई आर टू द पावर एन। अब देखो बच्चों, ए सी के बदले ये लिख सकते हो आप एम ओमेगा स्क्वेयर आर, इसका पावर वन आर टू द पावर एन, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब यहाँ पे टी इक्वल टू जो लिखते हो बच्चों 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, एक फॉर्मूला आप लिखते हो, फिर ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई डिवाइड बाई टी। वैल्यू ऑफ ओमेगा पुट हियर, तो क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, इसको ऐसे घेर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम, और ओमेगा के बदले लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और मिलेगा टी स्क्वायर, यहाँ पर मिल गया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर एन। अब ये वाली 4 पाई स्क्वायर और कैपिटल एम कांस्टेंट, हमको क्या है टाइम पीरियड और रेडियस ये दोनों के दोनों क्या है वेरिएबल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो नीचे भेज देंगे तो क्या मिलेगा वन डिवाइड बाई टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन और आर टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर वन, इसको हमने यहाँ भेज दिया। ओके, तो फर्दर इसको आप लिख सकते हैं बच्चों टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एन प्लस वन, फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एन प्लस वन इसका पावर 1/2, पावर का 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 2। समझे? मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स सिंपल। तो आप देखो ऑप्शन में ये है, तो ये क्वेश्चन, फिर से आप क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनथ पावर ऑफ रेडियस। ओके, तो सेंट्रिपिटल फोर्स 1/r^n। अब सेंट्रिपिटल फोर्स को क्या लिखेंगे एम इंटू ए सी, मतलब ए सी मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये ए सी के बदले ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है टाइम पीरियड, तो ओमेगा को कन्वर्ट करेंगे टाइम पीरियड में। देखो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर ओमेगा को पुट करेंगे यहाँ पे, तो एम 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट
इस आर को मैंने यहां भेज दिया तो कुछ ऐसा बन गया, इस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, फिर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के पावर एन प्लस वन सोल्व। ओके, दिस इज आंसर। चैनल पर आप नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, इसमें क्या दिक्कतें हैं। थैंक यू।